सुप्रभात बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और सवैया तीन जो है रसखान रचित उसको देखते हैं। इस सवैये में रसखान गोपियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं। रसखान जो है कृष्ण के प्रति जो है अपनी भक्ति के साथ साथ गोपियों की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति और गोपियों की जो चिंता है उसके विषय में चर्चा करते हैं और उनकी व्यवस्था का भी उन्होंने वर्णन किया है। तीसरे सवैये में कवि ने कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध जो गोपियां हैं जिसमें वे स्वयं को कृष्ण जैसा बना लेना चाहती हैं उसी का वर्णन किया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गड़े पहरूंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी। गोपियां कहती हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, सखी मैं कृष्ण की ही तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण कर लूंगी, पंखों मोर के पंखों का मुकुट बना के पहन लूंगी, गले में जो है गूंज की माला, एक विशेष बीट्स होता है जंगली कोई फल जिसका बीज या कोई ऐसा, उसकी माला मैं पहन लूंगी। और ही पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी, मैं पीतांबर वस्त्र धारण करूंगी और हाथ में कृष्ण की ही तरह पीले वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में लाठी लेकर जंगल जंगल गायों के पीछे फिरने को मैं तैयार हूँ। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, वो जैसा वस्त्र पहनता है, जिस तरह गायों के पीछे जाता है, वो सब करने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो सब मुझे भी अच्छा लगता है, मैं सब करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन कृष्ण की जो मुरली है उसको मैंने कभी अपने होंठों पर बिल्कुल नहीं रखूंगी, क्योंकि ये मुरली ही है जिसने कृष्ण को हमसे अलग कर रखा है। वो मुरली बजाने में इतना व्यस्त रहता है कि हमारे भक्ति भाव पर वो ध्यान नहीं देता है। ये जो सवैया है इसमें कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य से मोहित गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। ब्रजभाषा है, मैंने पूर्व में ही आपको बताया, इसमें संगीतात्मकता भी है और सवैया है, और गोपियां जो हैं वो हर चीज करने को तैयार हैं जो कृष्ण को पसंद है, उन्हें इस बात में कोई समस्या नहीं, वो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वो मुरली धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि मुरली जो है उसको कृष्ण से वियोग का कारण मांगती हैं। वो अपनी मुरली जो है कृष्ण की मुरली, कृष्ण चले गए, कृष्ण नहीं आते हैं, कृष्ण ध्यान नहीं देते हैं, तो गोपियों को लगता है कि मुरली जो है उसी ने उन्हें कृष्ण से अलग किया है, इसलिए वे मुरली को धारण नहीं करना चाहती हैं। धन्यवाद।